किनरीज किचन में आपका स्वागत है। अलग अलग प्रकार के नट्स को रोस्ट करके उनमें मसाला मिलाकर खाने में बहुत ही मजा आता है। इस तरह के रोस्ट किए हुए नट्स नॉर्मल नट्स से काफी स्वादिष्ट लगते हैं और इन्हें खाने का मजा ही कुछ और आता है। तो आइए देखते हैं रोस्टेड मसाला नट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। अलग अलग नट्स और बाकी की चीजें कुछ इस तरह से है। हमने लिए है काजू, बादाम, पिस्ता, शकरकंद के बीज, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, खरबूजे के बीज, अलसी, सफेद तिल और काले तिल। आइए नट्स को रोस्ट करना शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम की मोटे तले वाले कढ़ाई में आधा कप नमक गरम करेंगे। एकाध दो मिनट बाद अलसी डालेंगे और चलाते हुए रोस्ट करेंगे। जैसे जैसे नमक गर्म होगा वैसे ही अलसी गर्म होकर चटकने लगेगी। साथ में हम बादाम डालकर रोस्ट करेंगे। अब हम पम्पकिन सीड्स, खरबूजे के बीज, सनफ्लावर सीड्स, काजू, पिस्ता और शकरकंद के बीज डालकर थोड़ी देर चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। ये सारे ही नट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और उनमें से एक बहुत ही अच्छी रोस्ट होने की महक आ रही है। गैस को हमने धीमी आंच पर रखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद काले और सफेद तिल डालकर चलाएंगे। सारे ही नट्स और नमक काफी गर्म है इसलिए तिल को रोस्ट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। लगभग 30 सेकंड के बाद गैस का स्विच बंद कर लेंगे। रोस्ट किए हुए नट्स की सेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। नॉर्मल नट्स के मुकाबले इनका फ्लेवर काफी बढ़ जाता है। ये नट्स खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगते हैं। अब हम नट्स को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर के बाद नट्स ठंडे होते ही नमक को छानकर अलग कर लेंगे। नट्स को फिर से दूसरी बार अच्छे से छान लेंगे जिससे नट्स पे रहा नमक निकल जाएगा। नमक रोस्ट होकर उसका कलर काफी बदल गया है। इस नमक को आप डिब्बे में भरकर दूसरी बार इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हैं। रोस्टेड नट्स को बाउल में निकालकर मसाला करेंगे। मसालों में हम लाल मिर्च पाउडर, पुदीना पाउडर, भुनी हुई जीरे का पाउडर और आमचूर डालकर मिला लेंगे और सभी नट्स को अच्छे से टॉस कर लेंगे। नट्स को थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए काली मिर्च का पाउडर डालकर मिला लेंगे। मसाला अच्छे से मिल जाए इसके लिए हम नट्स को टॉस करके मिला लेंगे। उम्मीद करती हूँ रोस्टेड नट्स की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ऐसी और नई नई रेसिपीज के लिए किनरीज किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।